तो हमारी पोएम का नाम है आई शैल गो टू वॉर, जो लिखी है मनोहर माउली विश्वास ने। ये जो हमारे पोएट हैं, ये इनका सूडो नेम है। सूडो नेम जनरली वो नेम होता है जो एक आर्टिस्ट को ऑडियंस या वो खुद देता है, ताकि वो उसी नाम से पॉपुलरली जाना जाए। तो हमारे जो पोएट हैं, ये बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में लिखते थे। इनकी जो ग्रोथ है, इनका जो बचपन है बंगाल में भी था, मोस्टली जो इनकी राइटिंग है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दर्शाई जाती हैं, इमेंस फीलिंग्स दर्शाई जाती हैं, चाहे वो रेज की यानी गुस्से की हो, या फिर एक बहुत ही ज्यादा दुख की, पिटी की फीलिंग हो, तो अलग अलग फीलिंग्स में भी है। तो आइए जानते हैं हम उसमें पोएम के बारे में। अनशीथ्ड स्वॉर्ड ऑफ योर्स ओ धर्मा, इवन टुडे फ्लैश लाइक थंडर। स्टार्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ड से हो रही है कि तो आपकी जो ये तलवार है अनशीथेड, यानी कि इसके ऊपर अभी वो कवर नहीं लगा हुआ है। अनशीथेड स्वॉर्ड ऑफ योर्स, ये आज तक ऐसे चमक रही है जैसे आसमान में बिजली। ब्रेकिंग द एयर इंटू पीसेस, स्लाइसिंग इट इंटू हाफ्स, ऐसा लगता है मानो हवा के भी टुकड़े कर डाले, हवा को भी टुकड़ों में बांट डालती है। आई एम नॉट बाबरू बहादुर, आई एम नॉट आई एम conceived or RNC, forever I am identified as खटोच। यहाँ पे बोलते हैं कि ना ही मैं कोई ना ही मैं बाबरू बहान हूँ, ना ही मैं अभिमन्यु हूँ, लेकिन मैं कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इंसान नहीं हूँ मैं, जो बहुत ही पहले जन्मा था। मैं एक से एक बच्चा हूँ जो RNC, यानी कि उनके वंश में पैदा हुआ। forever I am identified as खटोच, मुझे खटोच के नाम से जाना जा रहा है। मैं ऐसा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मैं वो सब नहीं हूँ जो ये सब लोग थे, यानी कि बहुत ही बड़े योद्धा। आई शैल गो टू द वॉर मदर, गिव परमिशन, नाउ आई नो द आइडेंटिटी ऑफ माई फादर। अब यहाँ पे जो मदर, ये असली की माँ भी मान सकते हैं और मदर नेचर को भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पोएट बोलते हैं मुझे वॉर, मुझे लड़ने जाना है, लड़ाई ऐसे नहीं युद्ध होता है, मुझे भी उनकी तरह वॉर में जाना है, मुझे परमिशन दीजिए। नाउ आई नो द आइडेंटिटी ऑफ माई फादर, मुझे पता है अब मेरे पिता कौन है, मुझे पता है मेरी माँ हिडिम्बा है, इनकार्नेशन ऑफ लव, बट शी हैज नो राइट इन द पैलेस, आई एम अनवेलकम देयर। कहते हैं कि हाँ वो मुझसे प्यार करती हैं, हाँ सब कुछ अच्छा है, पर उनका कोई अधिकार नहीं है किसी राजमहल में, और मुझे भी कहीं बुलाया नहीं जा रहा है, यानी कि मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है, पर मुझे पता है मैं किसका बेटा हूँ, मुझे पता है मैं कौन से वंश का हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। ये सब सिंबल है यहाँ पे कि मदर हिडिम्बा है, मतलब क्या, यहाँ पे जो हिडिम्बा थी वो राक्षसी थी हमारी। अब हिडिम्बा का मतलब यहीं पे क्या हो गया कि प्यार है, ताकत है, सब है, पर कास्ट लोअर है, उनको एक नीची नजरों से देखा जाता है। बट शी हैज नो राइट इन द पैलेस हेयर, इस ये लाइन देखिए आप, उनका कोई अधिकार नहीं है किसी महल में। आई एम अनवेलकम देयर बिकॉज ऑफ माई कास्ट, मेरी दशा की वजह से मुझे वहाँ पे कोई नहीं बुलाएगा। बट आई एम अ हीरो ऑफ हीरोज, हैविंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ बर्न्ड इबोनी, फिजिक ऑफ अ जंगल, हार्ड एंड वास्ट लाइक द मलकांगिरी हिल्स। कहता है पर मैं तो हीरो का हीरो हूँ, मैं तो क्या बोलते हैं नायकों का नायक हूँ, हैविंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ बर्न्ड इबोनी, ऐसा लगता है मानो उन सब का जो एक नूर है वो मेरे अंदर आ गया है, मेरी जो फिजिक है, जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो जंगल की तरह है, बहुत ही घना स्ट्रक्चर है मेरी बॉडी का, बहुत ही स्ट्रांग हूँ मैं, हार्ड एंड वास्ट लाइक मलंगिरी की हिल्स, जैसे मलकंगिरी हिल्स की इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ, बहुत ही ज्यादा डेंस है वो, बहुत ज्यादा घना है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है ऐसा। आई कैन स्वेल एंड स्वॉलो ऑल द इनजस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, वो कहता है जितनी भी दुनिया में जितनी भी नाइंसाफी होती है मैं सबको निगल सकता हूँ, सबको मैं हटा सकता हूँ। देन वाई एम आई हेटेड, वाई एम आई इग्नोर्ड, मुझे क्यों लोग हेट करते हैं, मुझे क्यों इग्नोर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कास्ट, क्योंकि सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर की जो एक हायरार्की बनी हुई है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इसकी वजह से मुझे हेट किया जाता है। आई शैल गो टू द वॉर मदर, गिव परमिशन, आई कैन पुट माई फिलियल ड्यूटी अगेंस्ट धर्मा,
आई कांट एक्सेप्ट द ओल्ड फैशन मेथ. वो कहते हैं मुझे जाने दीजिए इस युद्ध पे, मुझे परमिशन दो, मुझे एक आज्ञा दो, मुझे मेरी ड्यूटी है जो मेरा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जो कर्तव्य है, सॉरी, जो मेरा कर्तव्य है धर्म के अगेंस्ट, उसे मुझे पूरा करने दीजिए. आई कांट एक्सेप्ट द ओल्ड फैशन मेथ. मैं जो पुरानी प्रथाओं की है, जो बांधी हुई लकीरें हैं, इनको फॉलो नहीं कर सकता. फादर इज हेवन, फादर इज रिलीजन. पिता ही ये हमारा यहाँ का, पिता ही हमारे यहाँ के स्वर्ग हैं, पिता ही हमारा रिलीजन है. प्लीज लुक अप मदर, टेल मी, वर यू नॉट रेप्ड? हैव यू रिसीव्ड लव, अ वुमेंस डिग्निटी? नेचर से क्वेश्चन किया जा रहा है, मदर से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आपके साथ ना इंसाफी नहीं हुई, क्या आपको प्यार नहीं मिला, आपको वो डिग्निटी नहीं मिली, आपको वो सम्मान नहीं मिला ना? हैव यू गॉट द ऑनर ऑफ अ वाइफ इन द आर्यन होम? अब यहाँ पे आप सिंबलाइजिंग देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? द्रौपदी. हैव यू गॉट द ऑनर ऑफ अ वाइफ इन द आर्यन होम? क्या आपको उस घर में जहाँ पे धर्म की प्रोटेक्शन करनी थी, क्या वहाँ पे भी आपको वो ऑनर मिला? प्लीज आंसर मी इफ यू कैन. मेरा जवाब दीजिए अगर आप दे सकती हैं तो. इसी के साथ पोयम तो हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है, पर जो हम देखते हैं हमारी पोयम की थीम्स को, वॉर एंड आइडेंटिटी. हर कोई अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी इमेज के लिए लड़ता है, अपना एक खुद का युद्ध लड़ता है. तो उसी वॉर की यहाँ बात हो रही है. अब वो वॉर चाहे असली का युद्ध हो, आपस में एक मेंटालिटी का युद्ध हो, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हो, या किसी आउटर फोर्स के साथ हो. सेकंड है लॉस एंड सैक्रिफाइस. जब भी कोई युद्ध होता है तो बहुत सारे सैक्रिफाइस दिए जाते हैं, बहुत सारे बलिदान दिए जाते हैं, और उन्हीं सब के बीच में होते हैं बहुत सारे घाटे, बहुत सारे लॉस, जिंदगियों का लॉस, पैसे का लॉस. तो हर वॉर का एक इनसेपरेबल पार्ट है लॉस. थर्ड इज कनेक्शन विद नेचर. नेचर, हम नेचर को माँ कह के बुला रहे हैं, कभी नेचर के कुछ पार्ट को हम फादर, हेवन को हम फादर बोल रहे हैं. तो नेचर से एक बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो हर चीज़ को एक आपस में जोड़ देता है. फोर्थ इज मदर नेचर. अगेन वैसा ही पॉइंट है, जो मदर नेचर है वही गिवर है, मदर नेचर जो है वही सबको नरिश करती है. आफ्टर लाइफ हेल एंड हेवन. जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जो कर्म है वो काम आएंगी, जो हमारे धर्म है, धर्म से कर्म, ये सब हमारे जो है आफ्टर लाइफ में सब कुछ डिसाइड होगा. इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है खत्म होता है. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड कमेंट. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.